हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ KFC बिग बैश लीग के दो मुकाबलों की, जो कि कल यानी 7 जनवरी को खेले जाएंगे। सबसे पहला मुकाबला होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम के अंदर। मेलबर्न रेनेगेड्स को फाइनली इतने सारे मुकाबले हारने के बाद पिछले मुकाबले में एक काफी शानदार जीत मिली। ये बात हम सभी को पता है कि इस टीम की जो गेंदबाजी है वो इस टीम की स्ट्रेंथ है, और वो पिछले मुकाबले में फिर एक बार दिखाई दे गई जहां पे टॉम रॉजर्स, मुजीबुर रहमान, केन रिचर्डसन, अकील हुसैन, ये सब काफी शानदार खेले। तो ये इस टीम के लिए काफी कमाल की बात है कि जो इनके गेंदबाज है ना वो फॉर्म में आ गए हैं। गेंदबाजों को फॉर्म में ना बड़ी अच्छी बात होने वाली है। बल्लेबाजी में टीम निक मेडिसन को मिस कर रही है, लेकिन एरोन फिंच ने कुछ काफी डिसेंट पारी खेली है। फिर मार्टिन गप्टिल इस टीम के अंदर है, शॉन मार्श इस टीम में है, सैम हार्पर इस टीम में है। तो बल्लेबाजी के अंदर भी टैलेंट काफी शानदार है। ये बात मुझे काफी और लगती है कि जब से बड़े बल्लेबाज आए उसके बाद इस टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी हम सभी को पता है सारे काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, और अगर इस टीम के बल्लेबाज अच्छा कर पाए ना, गेंदबाजी काफी स्ट्रॉन्ग है इस टीम की। होबार्ट हरिकेन्स पिछला मुकाबला कैसे हार गई मेरे को समझ नहीं आता। टीम ने अपने हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर स्कोर बनाया बिग बैश का, फिर भी उनके जो गेंदबाज है ना डिफेंड कर नहीं पाए। जनरली गेंदबाजी अच्छी है इस टीम की, रायली मेरेडिथ, नेथन एलिस, पैट्रिक डूली सब काफी अच्छे गेंदबाज हैं। भले पिछले मुकाबले फ्लॉप हो गए पर इस मुकाबले के अंदर ये काफी अच्छा कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है ना कि बल्लेबाजी इस टीम की इंप्रूव कर रही है। बेन मैकडरमॉट, मैथ्यू वेड, टिम डेविड सब काफी कमाल खेल रहे हैं। पिछले मुकाबले में जैक क्रॉली को मौका मिला, जैक क्रॉली ने अपनी पहली पारी के अंदर हाफ सेंचुरी मार दी, और कैलेब जूल ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी ना इस टीम के लिए वो भी काफी कमाल की बात है। डार्सी शॉट को ड्रॉप होते हुए देखना बहुत दिक्कत देता है मुझे, पर जो बाकी प्लेयर्स हैं काफी कमाल खेल रहे हैं। तो बल्लेबाजी और अच्छे फॉर्म में लग रही है, और गेंदबाज भी बुरे नहीं है इस टीम के पास में। तो ये मुकाबला काफी बराबरी का हो सकता है। अगर मुझे किसी एक को पिक करना है तो मैं यहाँ पे इस मुकाबले के अंदर पिक करूंगा होबार्ट हरिकेन्स की टीम को। दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा पर्थ और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। पिछले मुकाबले में पर्थ की टीम को भी हार मिल गई, लेकिन मेरे को लगता नहीं है टीम थोड़ी सी डिस्करेज होगी। इस टीम में कुछ काफी कमाल के नाम हैं जो कि इस मुकाबले के अंदर अच्छा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं गेंदबाजी आपको टूर्नामेंट जितवाती है, और इस टीम में जो गेंदबाजी है मेरे हिसाब से टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंदबाजी है। पीटर हर्ट्ज़गेलाउ, मैथ्यू केली, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉफ, आपको ऐसे अच्छे गेंदबाज मिलने नहीं वाले। बल्लेबाजी के अंदर जो 5-2+ ही हैं अब बचे मुकाबले नहीं खेलेंगे, तो बल्लेबाजी देखने वाली बात होती है कि बल्लेबाज कैसा कर पाएंगे। एस्टन टर्नर ने बहुत शानदार खेला, लेकिन उनके अलावा जो बाकी बल्लेबाज है ना वो कुछ खास कर नहीं पा रहे। ब्रिस्बेन हीट की टीम भी काफी डिसेंट खेली इस टूर्नामेंट के अंदर। पिछला मुकाबला इनका बारिश की वजह से अबेंडन हो गया था, पर दिक्कत की बात ये कि हो सकता है इस मुकाबले में कॉलिन मनरो और सैम बिलिंग्स ना खेले। अगर ये दोनों प्लेयर जाएंगे ना, इस टीम की बल्लेबाजी काफी इंपैक्ट करने वाली है। गेंदबाजी इस टीम की भी काफी अच्छी है। माइकल नेसर है, मार्क स्टिकेटी है, मैथ्यू कूनामैन है, जेवियर बार्टलेट है, तो गेंदबाजी में इस टीम को भी दिक्कत आने नहीं वाली। बैटिंग के अंदर जॉश ब्राउन और नेथन मैक्सविनी काफी शानदार खेले हैं, कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो ये मुकाबले अच्छा हो सकता है। पर मेरी पिक रहेगी इस मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स, मुझे लगता है पर्थ ही मुकाबला जीतेगी। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से दोनों मुकाबले कौन जीतेंगे, वो टीम होने वाली जो भी होगी वो टीम आप बताओ मुझे कमेंट करके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, उस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आप अगले वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।